नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर लगातार आज झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है और हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में कई विधायक जो है जेएमएम के वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि तो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी यहाँ पर पहुँचे थे और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, और जिसके बाद उन्होंने कई सारी बातों को यहाँ पर आलमगीर आलम ने रखा है। हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद वो एक प्रतिनिधि के तौर पर बाहर आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनिए सीधे क्या कहना है आलमगीर आलम का। लेकिन हमारे सारे विधायक जो है अलर्ट मोड में है और सारे विधायक एक आ जाएंगे। नहीं, कोई विकल्प का भाई चर्चा नहीं, जब तक नोटिस नहीं आएगा नहीं देखेंगे तब पर इस पर कुछ नहीं। पार्टी के विधायकों को बुलाया हो सकता है? नहीं नहीं, अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमू देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा, सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के नेता तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, अब तो हम तो पहले ही बताए कि भाई अब जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोल रहे हैं लिफाफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भाई कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं? लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज़्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोग को बुलाएंगे। राजभवन मार्च करने का भी सवाल ही पैदा नहीं। बोले नहीं अभी तक हम नोटिस के बाद जरूरत पड़ेगा तो वो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी मंत्री जी जैसे महाधिवक्ता को बुलाया गया था अभी, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो आएगा उसको लेकर के आप कोर्ट में भी जाएंगे? जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। अगर जरूरत अभी बोले कि नोटिस हमें मिला नहीं, अब मजबूर क्या है उसका देखने के बाद ना हम आगे बढ़ेंगे। वो सब आएंगे, कहीं रखा जाएगा, कहीं शिफ्ट किया जाएगा उनको? नहीं, अभी जरूरत है नहीं। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई सर? बोले अभी हम जानकारी करने आए थे या उनको नोटिस हुआ कि नहीं, उन्होंने बोला कि अभी तक कोई मुझे नोटिस नहीं है, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं है। इसी तरह जैसे आपको जानकारी है वैसे तरह जानकारी है। जब हमें माननीय मुख्यमंत्री नोटिस आ जाएंगे उसका मजमू क्या है उसको देख लेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे। ये आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट रहा है बीजेपी का जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद आप लोग कुछ तैयारी किए हैं कि आपकी सरकार जैसे छत्तीसगढ़ में वहाँ शिफ्ट करेंगे, कोलकाता में शिफ्ट करेंगे? अभी उसका नहीं। तो आपने यहाँ पर आलमगीर आलम को सुना, उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो उनसे बातचीत कही है उसको उन्होंने मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरीके से आपको जानकारी मिली है कि जो फैसला है वो राजभवन पहुंच चुका है और उसी तरीके से जानकारी हमारे पास भी है, और साथ ही साथ अभी तक राजभवन से कोई फैसला जो है वो यहाँ पर सीएम हाउस नहीं पहुँचा है, तो उसका इंतज़ार जो है वो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि आगे फैसले में क्या कुछ कहा गया है, ईसीआई का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर के पूरी जो चर्चा है वो चल रही है। मगर सबसे अहम और महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि लगातार जेएमएम के विधायक जो है वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और जेएमएम के विधायक दल की बैठक की भी सूचना जो है वो मिल रही है, सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर बाहर आए थे आलमगीर आलम और उन्होंने मुख्यमंत्री की जो बातें हैं वो मीडिया के सामने रखा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार। Thank you.